मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है जहां स्थानीय भाजपा नेता ने डॉक्टर गोविंद सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई साल पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, वहीं जहां उन्होंने अपनी कोठी का निर्माण किया है। वहीं कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक अम्बरीश शर्मा पर आरोप लगाया है कि सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उनका मकान तोड़ने पर आमदा है। वहीं जो भी जगह ली गई है वह विधिवत मूल्य चुकाकर उनके द्वारा खरीदी गई है। यदि किसी भी तरह का इसमें गोलमाल निकलता है तो जिला प्रशासन उन्हें नोटिस देकर कार्रवाई कर सकता है। इधर लहार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर और स्थानीय विधायक अम्बरीश शर्मा पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन राज्य दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। वायरल चल रहा है, 500 आदमी पुलिस के हमारे घर में घुसे हुए हैं, लगा रहे गुंडा, गाली गलौज कर रहे हैं, हमारे घर के तोड़ फोड़ करने में है। तो अब इससे ज़्यादा क्या है, वो वायरल हो चुका है। केवल राजनीतिक दुर्भावना से हमारे मकान तोड़ा जा रहा है जो हमारे छोटे भाइयों के नाम है, और उसमें हमारे पास नगर पाल विधिवत रजिस्ट्रियाँ हैं, 33 फुट में बना हुआ है, 43 फुट में उसकी मंजूरी है, तीनों रजिस्ट्री हमारे पास हैं। इसके बावजूद भी सास की बताकर तोड़ा जा रहा है, जबकि टीम जो बाहर से भेजी गई थी उसने जांच की, सच्चाई उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उसको जो उसने रिपोर्ट दी उसको फाड़ के फेंक दी कि नहीं, ये दिखाइए कि गोविंद सिंह का मकान कहाँ है, नक्शा गलत है। उन्हें पूरी रिपोर्ट लिखी है, वो हमने वायरल की है, कल उसकी फोटोकॉपी हमें प्राप्त हो गई थी, उसमें साफ लिखा है, दो आरआई दो पटवारियों के दस्तखत भी है सर, सिग्नेचर की है, सास के कर्मचारी हैं, विद्वान थे, मशीन चलाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको भेजा गया था।